गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 2 मातृ देवो भव इसका अभ्यास कार्य करवाएंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको शब्दार्थ अपनी कॉपीज में लिखने हैं जो कि इस पुस्तक में दिए हुए हैं। अब आप प्रश्न नंबर 2 पे आइए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में इसमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सतीशस्य जननी केन पीड़िता आसीत, कि सतीश की माता किस चीज़ से पीड़ित थी। तो आप पूरा आंसर यही रहेगा, बस केन हटा के आप ज्वरेण लिख देंगे, केन हटा के आप ज्वरेण लिख देंगे। सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता आसीत। प्रश्न नंबर ख, मुकुलः कस्य मित्रम अस्ति, मुकुल किसका मित्र है। तो कस्य हटाकर केवल सतीशस्य लिख देंगे, मुकुलः सतीशस्य मित्रम अस्ति। प्रश्न नंबर ग पे आइए, कह दुखितो अभवत, कौन दुखी हो गया था। तो कह की जगह आप लिखेंगे मुकुल, सतीश का मित्र मुकुल, मुकुलः दुखितो अभवत। प्रश्न नंबर घ, कह वैद्यम आनयत, कौन वैद्य को लेने गया था। तो सतीश, कह की जगह आप लिखेंगे सतीश, सतीश वैद्यम आनयत। अब आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि किसने कहा। कह भो सतीश गच्छ वैद्यम आनय, भो सतीश गच्छ वैद्यम आनय, ये शब्द उनकी माता ने कहे थे, सतीश की माता ने। ख अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये किसने कहा था, मैं खेलने जा रहा हूँ, सतीश ने कहा था, तो सतीश है। ग देखिए, मित्रैः सह क्रीडितुं गतः, मित्रों के साथ खेलने गया है, ये शब्द माता ने कहे थे, तो माता। अगला है, हे मित्र एषा तव जननी ज्वर पीड़िता अस्ति, तो ये शब्द कहे थे मुकुल ने, सतीश के मित्र मुकुल ने। अब है पूर्ण वाक्य उत्तर, प्रश्न नंबर 4 है पूर्ण वाक्य उत्तरत, इसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, मुकुलः सतीशस्य मातरं किम अपृच्छत, मुकुल ने सतीश की माता से क्या पूछा। तो आप लिखेंगे मुकुलः सतीशस्य मातरं पुत्र सतीशः गतः अपृच्छत, उसने क्या पूछा कि सतीश कहाँ गया है। ख देखिए, सतीशः किम उक्त्वा बहिः अगच्छत, तो आप किम की जगह लिखेंगे सतीशः, अय मे क्रीडनस्य कालः। और पेज नंबर जहाँ ये पाठ शुरू हो रहा है वहाँ देखिए, मम मित्राणि आगच्छन्ति अहम क्रीडनार्थं गच्छामि इति उक्त्वा स बहिः अगच्छत, ये मैंने पहले ही निशान लगा दिया है, ये आपको पूरा उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर ग, उपनिषद किम उपदिष्टि, उपनिषद क्या उपदेश देता है। तो उपनिषद मातृ देवो भव उपदिष्टि, उपनिषद क्या उपदेश देता है, मातृ देवो भवति भव। घ है, सतीश सह सतीश कुतः आनयत, वह सतीश को कहाँ से ले आया। तो सह सतीशम क्रीड़ा क्षेत्रात गृहम आनयत, खेल के मैदान से घर को ले आया। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सतीश से जननी कदा प्रमुदिता अभवत, सतीश की माता कब प्रसन्न हो गई। तो इसका उत्तर है, सतीश वैद्यम आनयत तर्रही तस्य जननी प्रमुदिता अभवत। अगला है, आयुर्विद्या यशो बलम कस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यश बल किसके बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगला है बच्चों, सह सतीशं कुतः आनयत, नहीं नहीं बच्चों, अगला है सतीशः कुत्र अगच्छत, न किं श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत, क्या सुनकर सतीश वैद्य को ले आया। तो इसका उत्तर होगा, मित्रस्य उपदेशम श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत,
मित्रस्य उपदेशं श्रुत्वा सतीशः वैद्यम् आनयत्। अगला प्रश्न है बच्चों, सतीशः कुत्र अगच्छत्, सतीश कहाँ गया था। तो सतीशः क्रीडनार्थ बहिः अगच्छत्, खेलने के लिए बाहर गया था। अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6, इसमें वाक्यों की रचना करनी है। कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे ज्वदेन, मित्राणी, ताम और क्रीडाक्षेत्रा। ज्वदेन का शब्द वो वाक्य बना हुआ है, महेश और ज्वदेन है, ज्वदेन पीड़ित है। अगला है मित्राणी, रमेशस्य मित्राणी कृष्ण सुदेश महेश च सन्ति, रमेश के मित्र कृष्ण सुदेश और महेश हैं। ताम, मुकुल सतीशस्य जननी ज्वदेन पीड़िताम अपश्यत, मुकुल ने सतीश की माँ को ज्वर से पीड़ित देखा था। क्रीडाक्षेत्रात्, मुकुल सतीशम क्रीडाक्षेत्रात् गृहम आनयत, मुकुल सतीश को क्रीडाक्षेत्र से खेल के मैदान से घर को ले आया। अब नीचे बच्चों, यहाँ बंधु बांधवों के नाम लिखे हैं, जैसे दादा, दादी, चाची ची, चाचा, ये आप अपनी कॉपीज में इसको भी उतार लीजिएगा और ये आपको आने चाहिए। अब इस तरह से बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं और साथ ही इस बुक में भी लिख दिए गए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब आप सारा कार्य, अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। पहले कोशिश करिएगा अपने आप से करें और यदि ना समझ में आए तो जो ये उत्तर लिखे हैं इसके सहयोग से आप गृह कार्य पूरा कर लीजिएगा। इसी के साथ ही बच्चों अब ये पाठ समाप्त होता है। हम अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।